तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 क्या होगा, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। कौन से खिलाड़ी किस स्थान पर खेलेगा, क्यों खेलेगा और क्या वह स्थान उसके लिए सही है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग एक चैंपियन टीम है और उनका प्लेइंग 11 भी कमाल का है, तो पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना देरी किए हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें हम लाते रहते हैं। तो बात करें चेन्नई सुपर किंग के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के बारे में एक बेहद ही ज़्यादा मशहूर बात है, वह है कि हर एक टीम कोशिश करती है फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि वह चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलना चाहती है फाइनल। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है, क्योंकि बता दें कि चेन्नई सुपर किंग सबसे ज़्यादा बार फाइनल खेली है, 10 बार फाइनल खेली है, जिनमें से 5 बार चैंपियन रही है। 2010 में चैंपियन बनी थी, 2011 में चैंपियन बनी, फिर 2018 में चैंपियन बनी, 21 में चैंपियन बनी और 23 में चैंपियन बनी। यानी ये करंट चैंपियन चेन्नई सुपर किंग ही है, ऋतुराज गायकवाड़, डैन कॉनवे, यह जोड़ी ही रहने वाला है चेन्नई सुपर किंग के लिए, क्योंकि यह जिस प्रकार का परफॉर्मेंस किए लाजवाब कमाल का है। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग के लिए कमाल का शुरुआत देने का जो जिम्मेवारी था वह इन दोनों पर ही था और बखूबी निभाए भी थी। फाइनल में जरूरत था उस वक्त ताबड़तोड़ का, तो ऋतुराज गायकवाड़ और डैन कॉनवे दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी किया था। इसके बाद नजर आएंगे अजिंक्य रहाणे। जी हाँ दोस्तों, अजिंक्य रहाणे जो कि कमाल का परफॉर्मेंस, एक अलग अजिंक्य रहाणे दिखे थे, अजिंक्य 2.0 नजर आए थे आईपीएल 2023 में, और फिर से अजिंक्य रहाणे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं। और इसके बाद नजर आएंगे डैनियल मिचेल और फिर एमएस धोनी। या दोस्तों, यह कुछ उनके मुख्य बल्लेबाज हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं और जो कि हर एक मुकाबला लगभग खेलने वाले हैं। आगे की बात करें ऑलराउंडर्स कौन कौन से होंगे उनके प्लेइंग 11 में, तो वह है रचिन रविंद्रा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर। या दोस्तों, रचिन रविंद्रा यंग है लेकिन टैलेंटेड भी है, जिस प्रकार के इंडियन सॉइल पर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस किए हैं, इससे तो से बात है थोड़ा बहुत चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट इंप्रेस तो है ही, तभी तो टीम में शामिल किया और उन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका देगी, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो लंबे समय के लिए सीएसके के लिए खेल सकते हैं। रचिन रविंद्र, शिवम दुबे जिस प्रकार फॉर्म में आप सभी जानते हैं, रविंद्र जडेजा के बारे में तो वह 3D प्लेयर है ही, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। दीपक चाहर पर भी नजर रहेगा, क्योंकि वह भी एक ऑलराउंडर है। या दोस्तों, बल्लेबाजी से भी कमाल कर सकते हैं दीपक चाहर। इसके बाद बात करें हम बॉलिंग अटैक क्या होगा चेन्नई सुपर किंग का, जो प्लेइंग 11 में रहेंगे वह है तुषार देशपांडे और मथीस पिथराना। या दोस्तों, यह भी दोनों कमाल के हैं। मथीस पिथराना जिस प्रकार से परफॉर्मेंस किए हैं आईपीएल 23 में, वही परफॉर्मेंस फिर से दोहराना चाहेंगे, तो तुषार पांडे जिस प्रकार से विकेट ले रहे थे, थोड़ा रन ज्यादा दे रहे थे, लेकिन अगर उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो एक कमाल का गेंदबाज हो सकते हैं। और चेन्नई सुपर किंग के जो तेज गेंदबाजी की तिकड़ी है, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और मथीस पिथराना का कमाल का हो सकता है। तो दोस्तों, यह रह सकता है चेन्नई सुपर किंग का प्लेइंग 11 जो कि आईपीएल 24 में खेल सकती है और इनमें इतना क्षमता है कि फिर से चैंपियन बन सकती है। और हमें पूरा उम्मीद है कि चेन्नई सुपर किंग यह कप जीतेगी, क्योंकि यह कप चेन्नई सुपर किंग के लिए नहीं, एमएस धोनी के लिए रहने वाला है, क्योंकि एमएस धोनी का शायद यह आखिरी सीजन हो सकता है। इसीलिए हर एक चेन्नई सुपर किंग के फैंस और एक चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी चाहेंगे कि एक अच्छा विदाई दिया जाए कप्तान एमएस धोनी का। आपका क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।